नमस्कार, जेके नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भाग्यश्री मोरे। पालघर पुलिस ने विरार के रेती बंदरों पर अवैध रेती खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7,90,00,000 का माल जब्त किया है। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक की टीम को देखते ही रेती माफिया भाग निकले। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार विरार पूर्व खानीवड़े, खाड़ी, वैतरना, चिखल डोंगरी आदि रेती बंदरों पर पुलिस ने 2 साल के लिए रेती उत्खनन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। तत्कालीन SP गौरव सिंह की इस पाबंदी से रेती माफियों में भारी नाराजगी थी। 18 नवंबर 2019 की रात पालघर के तत्कालीन SP गौरव सिंह अपनी टीम के साथ खारडी रेती बंदर पर देखने गए तो वहाँ बड़े पैमाने पर रेती निकाली जा रही थी। SP की गाड़ी देखते ही रेती माफियों ने उन पर हमला कर दिया था। कुछ महीने पहले गौरव सिंह का तबादला होने के बाद रेती माफिया फिर से सक्रिय हो गए और बड़े पैमाने पर रेती खनन का कारोबार शुरू हो गया। अवैध रेती खनन की जानकारी जब पालघर के नवनियुक्त SP दत्ता शिंदे को हुई तो वे शनिवार शाम 4:30 बजे भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ खानीवड़े व खारडी रेती बंदर पर कार्यवाही करने पहुंच गए। पुलिस टीम को देखते ही रेती माफिया फरार हो गए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 1,1600 ब्रांस रेती, 102 सेक्शन पंप, 1 JCB, 230 बोट, क्रेशर आदि जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 7,90,00,000 रुपये बताई जा रही है।